हम तो एम्बुलेंस ही है लेकिन कमान मोड़ से आता है। हाँ तो भाई कभी भी आ जाओ, तो एंट्री की लाइन लगी रहती लंबी वाली। ओके ओके भाई, सभी तरह के बंदे मिलते हैं। देखो भाई कि भैया ने कितनी प्यार से बात करी अपने से। कस्टमर का है मल्टी ऑर्डर, अच्छी बात अपने लिए, मतलब कस्टमर के दो ऑर्डर है, अपने को सिर्फ एक लोकेशन पे आना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। धन्यवाद अंकल जी। ओके भाई, भाई सुबह सुबह अपन कहाँ आ गए? हम आ गए अपन अपनी गाजियाबाद की कचहरी में। 10 रुपए यहाँ तो उसमें डाल देना, क्रेडिट में मिल जाएगा। अच्छा हमको सिखा रहा है। इनके ना अधिकतर ऑर्डर सीओडी होते हैं, इनको अपन फोन लगा देते हैं। कैश के ऑर्डर पंगा कंपलसरी है यार। ये क्या है? ठीक है जी, नीचे खड़ा हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज अपने इस ब्लॉग के साथ अपने PNDRC कर रहे हैं और सुबह के से कर रहे हैं। भाई सुबह का टाइम हो रहा है 6:21 और भाई अपना स्लॉट टाइम था 5:30 से 7:30। तो भाई आज पता है आज मजे की बात क्या है, अपने दो स्लॉट कंटिन्यू तो नहीं है लेकिन 15 मिनट का गैप है, लेकिन हाँ भाई 5:30 7:45। और भाई पता मजे की बात क्या है, मजे की बात यार ये है तो अपने दोनों स्लॉट की अर्निंग आज की हाई अर्निंग है 290 की स्लॉट की, लेकिन आज 290 से दे रखी है। कल एक तो मैच था और भाई मैच के चक्कर में बंदे मतलब सुबह जल्दी उठ के आ जाए, इस चक्कर में उन्होंने हाईस्ट रनिंग रखी है, लेकिन भाई अपने को उससे मतलब नहीं है भाई। 20-30 की बात कोई ऐसी बात नहीं है, अपने को भाई काम मिलना चाहिए, बस काम से मतलब है। और अभी भाई अपने को मिले हैं सिर्फ 5 ऑर्डर। 5 ऑर्डर में भाई एक ऑर्डर अपने काफी आउट पड़ने वाला है और बाकी 4 ऑर्डर तो भाई आसपास के हैं, लेकिन एक ऑर्डर काफी आउट पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले देखो टाइम 6:22, अभी स्क्रीन में दिखा रहा होगा 6 ऑर्डर। पहले मेरे को ना भाई ने 3 ऑर्डर ये वाले 6 नंबर 3 नंबर 7 नंबर 5 नंबर 4 नंबर ये ऑर्डर दिए थे। फिर ये 5 नंबर ना अपने को आउट पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ेगा भाई आयतवल सिटी के पास में, ये लैंड क्राफ्ट है के पास पड़ेगा ये। तो इसने भाई ने निकाल दिया 3 ऑर्डर अपने, ये चौथा ये वाला फिर दे दिया 8 नंबर 5वां ये। पहले करेंगे 4 नंबर जो कि है इबोनगिन लालगुई साइड का, 8 नंबर आपका गगन ग्लेब, 7 नंबर पंचवटी, 3 नंबर गांधीनगर, 6 नंबर ओलारी नगर और समरी माधव। भाई 3 ऑर्डर पर भाई अनपेड 292 715 537। भाई इधर अपने कैलेंडर में आते हैं 20 तारीख, ये देख लो भाई दो स्लॉट है अपने 5:30 7:30 7:15 9:45 290 290। अभी स्क्रीन पर 6 ऑर्डर दिखा रहा है जिसमें कि 3 अनपेड हैं और 3 पेड हैं। अनपेड में से एक ऑर्डर जो है अपना अपने को नहीं देना, अपने को ना भाई सिर्फ 2 ऑर्डर देने हैं COD वाले, क्योंकि भाई अपने 3 ऑर्डर पेड हैं, 2 COD हैं और एक ऑर्डर जो है वो निकलेगा भाई, वो किसी को पिकअप कराएगा, वो हट जाएगा मेरे पास से। तो फिलहाल अभी निकलते हैं अपन सीधा इबोनी के लिए, लालगुआ साइड मिलते हैं अपने लालगुआ पहुँच कर, क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है 6:24 हो चुके हैं और अभी अपने सीधा निकलते हैं फर्स्ट लोकेशन के लिए, क्योंकि अपने को 7:45 तक मैक्सिमम 7:40 7:45 तक अपने को वापस वेयर हाउस भी आना है। तो कोशिश रही जल्दी जल्दी आने की, फिलहाल निकलते हैं लोकेशन के लिए, मिलते हैं आपसे लोकेशन पर पहुँच कर। और भाई किसी ऑर्डर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कि भाई सुबह के टाइम में दिक्कत कंपलसरी होती है और COD ऑर्डर हो रहा है भाई मेन चीज़ है। तो फिलहाल निकलते हैं। तो फाइनली अराइव इन फर्स्ट लोकेशन इबोनी ग्रीन, सारे होम्स अभी यहाँ कराएंगे एंट्री। कौन सा वाला? ये वाला। फाइनली एंट्री हो चुकी है और भाई पता सोसाइटी में बंदे आ रहे हैं, ये मतलब छठवट की पूजा करके आ रहे हैं, छठ का त्योहार चल रहा है ना अभी। और लो भाई टावर भी अपना ये वाली है, पता मजे की बात क्या है भाई, ग्राउंड फ्लोर ही है। ऑर्डर आपका अमेजोन से है, ये समील ईशा के नाम से एक आइटम होगा। थैंक यू भाई। पहले बाइक का मीटर देख लो आप, 5094 हो रखा है, तो मतलब भाई अपन आई थिंक 8 किलोमीटर समथिंग यहाँ पे आ रखे होंगे, 585 मान लो, मैं 10 किलोमीटर से भी मान रहा हूँ 9 किलोमीटर, वैसे मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर दूर आए अपन, मतलब 585 और अपन देखेंगे 2 स्लॉट में कितनी बाइक चलेगी। समझ रहे हो ना। कंप्लीट भाई फर्स्ट ऑर्डर, अभी निकलते हैं अपन सेकंड ऑर्डर लोकेशन के लिए जो कि है भाई गगन क्लिप का, तो सीधा मिलते हैं आपके लोकेशन पे पहुंच कर दो आउट। फाइनल भाई अपन तो आ चुके हैं अपने सेकंड ऑर्डर के लोकेशन पे भी, अब यहाँ एक कार्ड भी होंगे, इनको थोड़ी सी बतानी पड़ेगी फॉर्मेलिटी। कस्टमर डाला हुआ फर्स्ट फ्लोर, तो कहीं जाना तो पड़ेगा ही। बात तो सही है। ऑर्डर है आपका डिप्टी के नाम से ऑर्डर है, 2 आइटम है। थैंक यू। कम्प्लीट सेकेंड ऑर्डर भी और अभी निकल रहे हैं अपने अपने थर्ड ऑर्डर लोकेशन के लिए जो कि है भाई पंचवटी जैन नगर का। फाइनल भाई लोकेशन पे आ चुके हैं पंचवटी जैन नगर। अब कस्टमर का घर कौन सा है इसमें अपने को देखना पड़ेगा, बिकॉज प्लॉट नंबर थोड़ा इशू रहता है यहाँ पर। अमेजोन से ऑर्डर है आपका? ठीक है जी, नीचे खड़ा हूँ मैं। 292 292। हाँ ये क्या है? देख लेता हूँ, नहीं फिर 50 का तो देखते हैं खुलने कितने दिए आपको।
40 है शायद। ठीक है ओके। कैश को उठना पंगा कंपलसरी है यार, ये टाइम लगने वाला भाई, चेंज का इशू बहुत ज़्यादा वाला, स्वाइप टू फिनिश। और अभी अपने दो ऑर्डर बच रहे हैं, अपन चलेंगे पहले 6 नंबर फिर 7 नंबर। कैश के ऑर्डर में यार ये दिक्कत कंपलसरी आती है यार, अभी निकल रहे हैं अपन अपने फोर टोटल के लिए, मिलता है लोकेशन पे पहुँच कर। जिनका ऑर्डर है ना भाई, ये इनका ऑर्डर तो काफ़ी बार लेके आए हूँ, गली के अंदर पड़ेगा ये, पत्ते से गली है गली के अंदर। इनके ना अधिकतर ऑर्डर सीओडी होते हैं, इनको अपन फ़ोन लगा देते हैं, कभी कभी बैल का रिस्पॉन्स नहीं आता है ना। हेलो, अमेजोन से ऑर्डर है आपका, मैं बाहर ही खड़ा था, पेमेंट लिया ना आप 715 अमेजोन से। हाँ, फ्रेश का ऑर्डर है, घी है आपका। अच्छा अच्छा, ओके ओके। पेमेंट के लिए इसलिए बोल दी क्योंकि यार पहले आते ऑर्डर लेके आते फिर पेमेंट लेके आते, अभी तक पेमेंट लेके आ जाएंगे, बाकी अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। मैंने इनको 7:11 फ़ोन किया था, टाइम क्या हो रहा है 7:15 हो रही है। सी ओ डी ऑर्डर ना खुद टाइम ख़राब करता है, इन्होंने कर दिया ऐसे ही पहले वाले ने कर दिया, बाकी पेड ऑर्डर में इतनी दिक्कत नहीं होती है। आओ ऑर्डर दो, बात खत्म। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो रहेगा कोई शायद 715 10 रुपये यहाँ तो उसमें डाल देना, क्रेडिट में डाल जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है? नहीं, इसमें फ्रेश में नहीं होता ऐसा। ठीक है भाई, इतनी देर में आए, अब भी 2 रुपये कम ले गए, टाइम ना लगे ना। मैंने इस चक्कर में इनको बोल दिया था कि भाई अपना पेमेंट ले आना, इतनी पेमेंट है, बाहर खड़ा हूँ। अब भाई वही वाली बात होगी ना, आधी पेमेंट लेके आया, अब इसमें क्या ही करूँ मैं यार, वेट करा रहे भाई 8 मिनट तो हो गए खड़े खड़े, अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ वाला। अपन ना 1 घंटे के अंदर अंदर फ्री हो जाए सभी ऑर्डर से, अब क्या कर सकते हैं भाई, इस ऑर्डर में भड़ हो गई अपने साथ। थैंक यू, करते हैं डिलीवरी इसको भी कैश के अंदर, कैश 715 कंटिन्यू साइड टू फिनिश। फाइनली भाई काफ़ी मशक्कत के बाद अपना ऑर्डर हो चुका है कंप्लीट, और अभी निकल रहे हैं अपने अपने लास्ट ऑर्डर के लोकेशन के लिए, जो कि है भाई गांधीनगर का अपार्टमेंट एरिया है भाई। ये जो लोकेशन है ना अपने गांधीनगर की, ये अपार्टमेंट एरिया है, और आई थिंक इसके भी फेज़ 1 फेज़ 2 है, अभी देख लेंगे अपना कौन से में पड़ेगा, फेज़ 1 है फेज़ 2 है, जिसमें पड़ेगा अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई सुबह सुबह अपन कहाँ आ गए, हम आ गए अपन अपनी गाजियाबाद की कचहरी में। यहाँ ना इतनी शांति से लिया है क्योंकि यार अभी ना सब कुछ शांत है यहाँ पर, 10 बजे 9 बजे के बाद तो यहाँ है बुरा हाल, बहुत तगड़ा वाला। ये आ चुके लोकेशन पे, मैंने बताया ना आपको यहाँ का 2 फेज़ है, फेज़ 1 फेज़ 2 अपना है, फेज़ 1 में ये अच्छी बात है, फेज़ 2 पड़ा थोड़ा सा आगे के लिए, तो अपने को पास पड़ गया, अच्छी बात है भाई। पैसे देख लेता है जी, लेने आपको देना है, अमेजोन से ऑर्डर है आपका। हाँ भैया, मैं गेट पे था, गार्ड भैया कह रहे हैं मतलब आपकी मम्मी नीचे हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या नाम है, मैं उनको दे दूंगा। ठीक है ठीक है, एक बार बात करा दो। ठीक है ठीक है, बात कर लीजिए, बात कर लेना। हाँ जी, राम राम अंकल। राम राम अंकल, अरे भाभी को पकड़ा दूंगा, टेंशन मत। ठीक ठीक ठीक, ओके अंकल जी, धन्यवाद। कम्प्लीट लास्ट ऑर्डर भी, और टाइम देख लो, फोकस हो भी रहा है, नहीं हो रहा, 7:25। फाइनल भाई कम्प्लीट हो चुका है अपना लास्ट ऑर्डर भी, और अभी जो है ना अपने 5 ऑर्डर थे, 5 ऑर्डर में 2 ऑर्डर अनपेड थे और 3 ऑर्डर पेड थे, तो भाई दो ऑर्डर पेड अनपेड थे ना भाई, 5 ऑर्डर में अपने 2 ऑर्डर अनपेड थे, 3 ऑर्डर पेड थे, और जो ऑर्डर अनपेड थे ना भाई उन्होंने अपनी एस्टेसी मार दी, मतलब कि भाई पहले में टाइम लग गया, दूसरे में टाइम लग गया, इस चक्कर में अपने को 1 घंटा लग गया स्लोडो करने में, पता नहीं तो भाई अपन इसको 1 घंटे से पहले 50 मिनट या 40 मिनट में ख़त्म कर देते, लेकिन भाई 10 मिनट तो लग गए सेकंड लास्ट ऑर्डर में, और थर्ड लास्ट ऑर्डर में भी शायद इतना टाइम लग गया था, कस्टमर आए बहुत देर में थे। अब भाई क्या कर सकते हैं भाई, डिलीवरी करनी है ना, मतलब ये काम करना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी फिलहाल अभी निकलता है वेयर हाउस क्योंकि अपना स्लॉट है 7:45 का, और भाई 7:25 हो चुके हैं, टाइम पूरा है, मतलब 20 मिनट अपन पहुँच जाएंगे वेयर हाउस, लेकिन भाई फिर भी टाइम से निकलता है यहाँ से, आ चुके वापस वेयर हाउस, और अभी अपना स्लॉट है 7:45 का, उसको अराइव करते हैं, लोग कंटिन्यू नहीं था, कंटिन्यू होता तो भाई अराइव जरूरत नहीं पड़ती करने की, लेकिन अब करना पड़ेगा अपने अराइव, तो पहले अपन इसको अराइव कर लेते हैं। सेम प्रोसेस स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट ट्रेवल, आई हैव अराइव्ड, मुझे सीधा पिकअप ऑप्शन आ गया बालकोट के लिए, चलते हैं अपन अंदर, और ऑप्शन अपने पास आ गया बालकोट के लिए, तो बालकोट लेते हैं, अब देखते हैं क्या ही रूट मिलता है अपने को। भाई पहले मिलता है 5 ऑर्डर, और भाई लाल कुआ और जीटी रोड पूरा था, लाल कुआ भी था, जीटी रोड भी था, अब देखते हैं क्या मिलता है भाई, या तो मैं लिखूँ क्रॉसिंग, या फिर जो भाई देगा वो लेना पड़ेगा, बाकी फिलहाल निकलते हैं, ऑर्डर वोडर पिकअप करते हैं, मिलते हैं सीधा आपसे आफ्टर पिकअप। 1 आवर लेटर फाइनल भाई रूट पे हो गया अपना पिकअप, और अभी ना अपने को मिले हैं दोबारा से 5 ऑर्डर,
भाई ऑर्डर तो 5 है लेकिन लोकेशन 4 है, वो मतलब कैसे भाई? क्योंकि एक कस्टमर का मल्टी ऑर्डर है। पता भाई मल्टी ऑर्डर में सीन क्या होता है? मल्टी ऑर्डर में भाई कस्टमर 2 ऑर्डर प्लेस करते हैं एक ही टाइम स्लॉट में लग जाते हैं उनके, तो भाई थोड़ा अपना बेनिफिट हो जाता है। भाई ऑर्डर तो 5 है लेकिन लोकेशन 4 है, अच्छी बात है। मैं अभी आपको अपना रूट दिखाता हूं, रूट का सीन क्या है। रूट है बहुत बेकार वाला, बेकार तो कैसे, लेकिन भाई मुझे बेकार लगता है क्योंकि भाई मैं उधर तो जाता नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरा स्लॉट नहीं अभी कोई अगला कोई इस चक्कर में। तो भाई ये रूट है अपना 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर। 6 नंबर है पार्थमनाथ, 4 नंबर सेवियर पार्क। ये 2 ऑर्डर जो है ये है पटेल नगर के, 3 नंबर पटेल नगर का, 5 नंबर पटेल नगर का। दोनों ऑर्डर एक ही ब्लॉक के हैं, मतलब जी ब्लॉक के, बट 5 नंबर ऑर्डर जो है मल्टी ऑर्डर है। मल्टी ऑर्डर का सीन क्या भाई? ये देखो भाई, इधर आते हैं अपन, ये देखो यहाँ 2 लोकेशन, इधर क्लिक करा उस पर, दोनों का एड्रेस सेम है। समरी मार दो भाई। एक ऑर्डर अपना अनपेड है जिसके अमाउंट है 1597, मतलब 1600 रुपये। कस्टमर से बात कर लिया है, वो मतलब पेमेंट कैश में करेंगे मतलब या यूपीआई करेंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने आपको ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी, तो उन्होंने एग्री कर दिया। अब वो उनके हेड है कि वो कैश करें यूपीआई करें, बट जैसे भी करें बट कर दें। और अब भी निकल लें अपन, अब सीधा फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन के लिए जी, तो निकलते हैं लोकेशन पर, मिलते हैं आप लोकेशन पर पहुँच कर। और भाई पता सीन क्या है, मैं आपको टाइम हो टाइम क्या रखा भाई, तो भाई टाइम हो रहा है 8:24। तो भाई अपने पास सिर्फ 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में रूट पूरा रूट कवर करना है। कवर तो हो जाएगा बट यार यहाँ के ऑर्डर का मेरा मन नहीं करता करने का। अब भाई मिले तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल निकलते लोकेशन के लिए, मिलते हैं लोकेशन पे पहुँच कर। रेलवे फाटक खुला मिला है, सच बात क्या है अपने लिए लोकेशन है भाई यही है। ऑर्डर है COD, कस्टमर को फोन लगा लिया है, अब यार ये फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मैं फ़ोन मत करना, मैं पैसे ला रहा हूँ। ठीक है ले आओ। बहुत टाइम लगा दिया, बहुत टाइम इसीलिए लगा, मैं एक और काम कर रहा था। अच्छा। जब तुम्हें कहा। अच्छा अच्छा। जब मैं कुछ और काम कर रहा था, वो काम चढ़ा रखा था गैस पर। अच्छा अच्छा। हाँ वो खराब हो जाता फिर। कितने हो गए? 1500। 100 का नहीं है? नहीं 100 का आज नहीं है मेरे पास। चलो हम देखते हैं। मेरे पास 100 का एक ही है बस, वही जमा कर गया था मैं सारा, करवा दो देखो थोड़ा सा, ऊपर से डाल देना कोई दिक्कत नहीं भाई। अलग सीन हो गया, अब 1600 रुपये का ऑर्डर है, कस्टमर ने दिया 2000 रुपये भाई। मेरे पास भी चेंज नहीं भाई, मेरे पास सिर्फ 100 का नोट, 400 तो दे गया था मैं। अब धन्यवाद अंकल जी। ओके कोई नहीं, चलो ठीक है। फाइनली कंप्लीट अपना फर्स्ट ऑर्डर, और अभी आया अपने सेकंड ऑर्डर लोकेशन के लिए। कस्टमर का है मल्टी ऑर्डर, अच्छी बात है अपने लिए, मतलब कस्टमर के 2 ऑर्डर है, अपने को सिर्फ एक लोकेशन पे आना है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी इनको फ़ोन लगाते हैं ताकि इतना आ जाएं, क्योंकि भाई इतनी सारी बैल है क्या है आई डोंट नो। 4-4 तो भाई रिंग है, 1-2-3 पता नहीं भाई। प्रदीप क्या सीन है? अमेजोन से ऑर्डर था आपका? हाँ भैया, वो घंटी बजा दीजिए जो है ना, बेल लगी हुई है ना, जो कौन सी वाली? लंबी वाली जो बेल लगी हुई है। हाँ लंबी वाली लगी हुई है ना, उसमें सबसे नीचे वाला बटन दबा दीजिएगा है ना, लाइट जल जाएगी। हाँ जी दबा दिया, लाइट जल गई। हाँ जी हाँ जी हाँ बस भैया आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके तो मुझे कॉल कर ले। ओके 2 ऑर्डर है आपके, ठीक है दोनों दे दो। ठीक है ओके ओके थैंक यू भैया। ओके थैंक यू भाई। सभी तरह के बंदे मिलते हैं, देखो भाई कि भैया ने कितनी प्यार से बात करी अपने से, समझाया भी अच्छी तरह भाई कौन सी बेल प्रेस करनी कौन सी बेल प्रेस नहीं करनी, मतलब इस तरह के बंदे मिलते हैं अपने को भाई, काफ़ी खुशी मिलती है अपने को। और स्वाइप टू फिनिश कंप्लीट, ये भी ऑर्डर फाइनली कंप्लीट, सेकंड ऑर्डर भी। और अभी निकल रहे हैं अपने अपने थर्ड ऑर्डर लोकेशन के लिए, जो कि है भाई मोहनगर साइड का। मोहनगर साइड के अपने हैं 2 ऑर्डर, तो यहाँ से निकलते हैं मोहनगर के लिए, मिलते हैं लोकेशन में पहुँच। फाइनली भाई अपन आ चुके हैं पार्श्वनाथ जी, और पता है अपन आए बैक साइड से, क्योंकि भाई एंट्रेंस तो मेन ये है इसका, बट अपन आए बैक साइड से। लोकेशन बता चुके हैं, कस्टमर डाला हुआ है सेकंड फ्लोर, तो भाई जाना कंपलसरी है अपने को। उनको ना फ़ोन लगा लेते क्योंकि यार एक फ्लोर पर 2 फ्लैट है, अब कस्टमर का कौन सा है आई डोंट नो। अमेजोन से ऑर्डर है आपका? मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, फ्लैट आपका यह लेफ्ट हैंड वाला फ्लैट है ना? इधर है, मंदिर के पास ही है, लाल पैड लैब की तरफ। ये है ना प्रदीप मित्तल जो लिखा हुआ है? प्रदीप मित्तल लिखा है ना, प्रदीप मित्तल राहुल मित्तल। हाँ जी हाँ जी ठीक है ओके। ऑर्डर है आपका, ये साइड में खाली कर दूँ? ठीक है अंकल जी। फाइनली कंप्लीट अपना थर्ड ऑर्डर भी, और अभी निकल रहे अपना अपने फोर्थ एंड लास्ट ऑर्डर लोकेशन के लिए, जो कि भाई सेवियर पार्क का सोसाइटी एरिया है वो भी। हाँ तो भाई कभी भी आ जाओ, एंट्री की लाइन लगी रहती लंबी वाली। अमेजोन से ऑर्डर है आपका, तो अप्रूवल डाल दीजिए एंट्री कर देगी। तो फाइनली काफ़ी मशक्कत के बाद इतनी एंट्री हो चुकी है। तक्का मतलब भाई यार मैं यहाँ पहुँचा, 2 लेडी गार्ड थी दोनों ही भाई, पता नहीं बात कर रही थी मेंटेनेंस में क्या कुछ, मतलब कुछ सीन सान हो गया यहाँ पर, आई डोंट नो क्या सीन हुआ है।
बट मैंने बोला तो उनका एंट्री लो उनका, थोड़ी देर वेट कर लो भाई। अभी अपन पहुँचे और बाइक का मीटर है 51.17। तो अब मैं बताऊँगा, पहले ऑर्डर दिया फिर बताऊँगा इसके बारे में। तो भैया A3 तो पड़ेगा पीछे की तरफ। A3 भाई इसी के अंदर जाओगे? हाँ पीछे को पड़ेगा ना, इस साइड में होगा या इस साइड में पूछ लेना आप गार्ड से। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, ऑर्डर है अमेज़न से। ये साइड में खाली कर दो सर। अच्छा हाँ, ये बैग भी होगा अंदर भैया, अंदर बैग। वो फोटो क्लिक करनी पड़ेगी ना फिर। अच्छा, इसमें रख लेना बाद में। मोड़ से आता ना भैया? हाँ जी मोड़ से, हम तो अमेज़न से ही है लेकिन कमान मोड़ से आता है। पर पाँच में वो अलग है। हाँ। हमारा है गौर मॉल के अंदर वाला। गौर जो मॉल है ना राजनगर में, RDC में। अच्छा वहाँ से आए? हाँ हाँ, थैंक यू। लिफ्ट का बहुत पंगा है यहाँ पे। हाँ, आने आने क्योंकि एक लिफ्ट लास्ट में है, एक इधर लास्ट में है। हाँ। बाकी किसी और से आने देते हैं। हाँ ओके ठीक, थैंक यू भाई। कम्प्लीट लास्ट ऑर्डर और टाइम हो रहा है 9:22। फाइनल भाई कंप्लीट हो चुका अपना लास्ट ऑर्डर भी भाई। और अभी जो अपने को मिले थे ना 5 ऑर्डर थे, बट लोकेशन 4 थी, कस्टमर 4 थे। और भाई फर्स्ट ऑर्डर में इतनी दिक्कत हो गई थी भाई कस्टमर ने, मतलब कस्टमर तो आए थे, उनके जो वर्कर हैं जो काम करते हैं अंकल जी उनके यहाँ, अब उनके यहाँ काम करते हैं या क्या करते हैं अब आई डोंट नो, बट वो अंकल जी ने काफ़ी टाइम लगा दिया आने में। फिर भाई थोड़ा कैश का इशू हो गया, तो भाई कैश के ऑर्डर में बहुत दिक्कत होती, बाकी 3 ऑर्डर थे अपने उनमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी डिलीवर हो गई नॉर्मली वे में। और भाई अभी जो अपने ने कंप्लीट किए हैं 2 स्लॉट कंप्लीट किए हैं, 5:30 फिर 7:47, और उसकी भाई अर्निंग है ये। और आज की जो अर्निंग है ना अपनी ऑर्डर के मुकाबले ज़्यादा हुई है। वैसे अपना स्लॉट 200 स्टार्ट का होता है, लेकिन आज के स्लॉट में 290 के थे, 290 ये हो गए भाई आपके 580 आई थिंक। हाँ भाई 580 रुपये हो गए भाई, ऑर्डर के मुकाबले ज़्यादा अपना काम हुआ है आज। ऑर्डर की बात करें 5 ऑर्डर पहले थे और 4 ऑर्डर अब थे, मतलब भाई 10 ऑर्डर 9 लोकेशन, मतलब पहले अभी दोबारा 5 ही ऑर्डर थे ना, तो 10 ऑर्डर 9 लोकेशन थी अपनी। और जो भाई अपने ने 1 घंटे में ख़त्म कर दिया था, और 1 घंटे से भी समथिंग में अब ये ख़त्म कर दिया अपने ने, तो मतलब 2 घंटे प्रॉपर नहीं करा अपने काम और अपना काम ख़त्म हो गया था। और बाइक चली थी भाई मेरी आई थिंक 85 जब मेरी बाइक थी, और अब 17 है भाई, 15 वो और 17 ये, 32 किलोमीटर से बाइक चली अभी तक भाई। 580 काम, 9 ऑर्डर, 2 घंटे काम किया सिर्फ अपने ने। वैसे तो कंपनी के टाइम 4 घंटे, लेकिन अपने जो काम किया सिर्फ 2 घंटे किया है, 1 घंटे पहले 1 घंटे और अब। और 580 भाई अपना 80 का तेल निकाल दो भाई, तुम 500 cc सीधे बच गए अपने। अपन किसी अदर प्लेटफॉर्म पर काम करते कुछ नहीं पता भाई अपने को कितनी दूर जाना पड़ जाए, मतलब भाई घर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आई डोंट नो कितने किलोमीटर। कि भाई पोर्टर रैपिडो ओला उबर का सीन कुछ नहीं है पता, NCR में कहीं की भी राइड आ सकती है भाई, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है इन चीज़ों में। बाकी यार अभी फिलहाल निकलते हैं अपन यहाँ से वेरा, उसके लिए अपना स्लॉट जो है मतलब कैश वो भी जमा करना है और बैग भी जमा करना है। बाकी इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना हो भाई, कमेंट करके बताना वीडियो में चलेगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।